हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे आई होप। मैं चाहती हूँ सब लोग बहुत अच्छे रहें हमेशा, मेरे फ्रेंड्स। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और भाई हम नहा धो के तो रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें बाबू के वजह से जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है। ये सोता रहता है ना, मैं उससे पहले ही नहा लेती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे देख लेना, पूरा नहीं तो आधा देख लेना। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसा ना करें, लाइक कर दिया करें। कितनी बार बोलूँ मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ प्लीज, ओए 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 ओए, प्लीज़ गाइज लाइक कर दिया करें। और यहाँ पे हमारा नाश्ते की तो अभी तैयारी चल रही है, बाहर सिटी की आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखो, ये चाकू मैंने यहाँ काटने के लिए फ्रूट, और ये भाई साहब आ रहे पकड़ने के लिए। देखो ये इधर, देखो ये देखो ये देखो ये देख रहे हो, ये देखो फेंक दिया इसने, ये बड़ा दिमाग ख़राब करता है। चाकू रख रखा था मैंने प्लेट में, तो उसको पकड़ने के लिए आया था, मैंने उठा लिया। ये इसकी शैतानी है ना, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो गाइस देखिए, हम खा रहे हैं आज नाशपाती। ये होती है नाशपाती, हम कल लेके आए थे मार्केट से, उस दिन तो कोई फ्रूट्स था नहीं। जब होता है तो खा लेते, नहीं हो पाता तो नहीं, बाजार चले जाते तो ले आते हैं। और ये देखो बाबू, आप भी नाशपाती खा रहे हो? हाँ, ये देखो ये खेल करेगा, सिखाएगा थोड़ी ना, बॉल बना के खेलेगा। से देखो फेंक दी इसने, इसको धोना पड़ेगा मुझे। हाय कर दो सबको बाबू, हाय कर दो सबको, हाय कर दो ऐसे। हाँ ये देखो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई ये मेरे डुगू की तरफ से है, देखो आप सब मेरे डुगू को हाय बोलना, ओके। और वीडियो को जरूर लाइक करना बाबू, बोल दो वीडियो को लाइक करना, ऐसे कर दो ऐसे। हाँ ऐसे कर दो ऐसे कि वीडियो को लाइक करना। तो गाइस यहाँ तो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम देखेंगे नाशपाती काट के इसको, उसके बाद पियेंगे अपनी चाय, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए ना। और कैलक्स कुछ दिन खाए थे, कैलक्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, कभी कभी खा लेती हूँ जैसे मन करता है, रोज में नहीं अच्छे लगते। तो हमारा तो वहाँ सीटी कुकर चढ़ चुका है, हमारी बन रहे हैं दाल चावल, कल हमने बनाई थी। कभी दाल चावल बनाती हूँ अब मैं, और कभी सब्जी रोटी बना लेती हूँ, पराठे वगैरह। तो आज हम दाल चावल बनाने का मन था, तो आज दाल चावल बन रहे हैं हमारे। तो चलिए गाइज, अब हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, हम खाते हैं नाशपाती, देखते हैं मीठी है कि नहीं निकली बोल के। तो वैसे मैं यही लाई थी, मैंने उसे पूछा था मीठी होगी, कह रहा अरे मैडम लेके जाइए। तो गाइज हम खाते हैं नाशपाती। किसी किसी के, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके घर में तो नाशपाती के पेड़ भी लगे होंगे ना, किस किस के घर में नाशपाती के पेड़ लगे मुझे बताना, ठीक है गाइस? और प्लीज़ लाइक कर देना, आपको कसम है इस नाशपाती की। मेरी वीडियो को आप फुल नहीं तो आधा बहुत ज़रूर करना, आपको कसम है इस नाशपाती की। देख रहे हैं आप इस नाशपाती को? तो चलिए गाइस, अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हमारे यहाँ बाबू की क्या हो रही है, मालिश हो रही है, देखो ये हमारे बाबू का तेल है। बाबू हम यहाँ पे और लगाएंगे थोड़ा सा, कहाँ पे लगाएंगे, हाथ पे, और मालिश करेंगे रगड़ रगड़ की रगड़। तो गाइस हम आ गए हैं दोबारा से आप लोगों से मिलने, और हमारा बाबू तो नहा चुका है और ये सो भी चुका है, आज तो सो लिया एक घंटे। और हो गई है अब शाम के बज गए हैं 5, और इससे पहले मैं वीडियो बना रही थी तो हमारे भाई साहब जी ने कर ली पॉटी। बच्चों का कुछ पता नहीं होता, जब मर्जी पॉटी, जब मर्जी सुसू। बाबू से पूछो करते क्या हो, बाबू तुम सारा दिन करते क्या हो? पॉटी पॉटी सिस। बाबू तुम सारा दिन करते क्या हो? पॉटी सिस। काजल सारा आके काली काली कर लेता है, हरा दे। ओए बाय कर दो सबको, बाय कर दो दोबारा से, भगा दे सबको, भग जाओ। तो गाइस अब हो गई है शाम, और शाम के बज गए हैं 5,
5:55 और हम तो खाना वाना खा चुके हैं। आज हमने दाल चावल बनाए थे वो हमने खा लिए, तो सोने को तो हमें नसीब नहीं होता क्योंकि जब ये सोते हैं तब हम अपने और काम करते हैं, सोचते हैं YouTube पे भाई फ्रेंड्स के घर चले जाएं, सबसे मिलके आ जाएं, सब हमारे घर आते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है पूरा पूरा। और गाइज एक बात और कहनी थी कि आप लोग मतलब कुछ तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो रोज़ आते हैं, रेगुलर आते हैं हमारे घर, और कुछ हैं जो एक दिन आते हैं गायब हो जाते हैं और बोलते सब्सक्राइब कर लो। अब ऐसे कैसे सब्सक्राइब कर ले, अब आपको सब्सक्राइब कर भी लो तो आप लोग एक दिन आते हो फिर आते ही नहीं हो, तो फिर उससे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे आने का भी। अगर आपको फ्रेंड बनना है तो रोज़ आइए, रोज़ आप आएंगे रोज़ हम आएंगे, इसमें आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, फ़ायदा है ना। और गाइस मैं पहले नहीं आ पाती हूँ जल्दी, मैं शाम के टाइम ही आ पाती हूँ, पर मैं आती सबकी वीडियो पे हूँ ये आप सबको पता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे आ जाया करिए क्योंकि मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है, एक तो मेरी नेट की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नेट में, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कंप्लेंट मैंने डाली है, उन्होंने 8 दिन के लिए बोला है कि 8 दिन बाद हम देखते हैं क्या होता है, 8 दिन बाद भी नहीं होगा तो दोबारा कंप्लेंट डालूंगी। तो गाइस आप लोग आ जाए करिए, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं आ पाती तो आप लोग भी नहीं आते, ऐसा मत करें, आया करें। आप फ्रेंड्स हैं तो थोड़ी दोस्ती निभा लीजिए, मेरा छोटा सा बच्चा है तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो जाती है, समझे करो आप लोग, आप लोग नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। तो गाइस चलिए, सोच रही थी आज कुछ साफ़ सफाई करने, खाना पीना तो हम बना चुके थे, सोच रहे हैं कुछ साफ़ सफाई करते हैं घर की, टाइम ही नहीं मिल पाता, इन बाबूजी को संभालना, यूट्यूब को संभालना, दो बच्चे हो गए मेरे, एक तो यूट्यूब हो गया बड़ा बच्चा और ये छोटा बच्चा, दोनों बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो आज सोचते हैं अलमारी, देखिए अलमारी का क्या हाल हो रखा है, मेरे तो पूरी अलमारी में भूकंप आ रखा है, घर में भूकंप आ रखा है, कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं बच्चे के, कहाँ कहाँ तक सही करूँ, अलमारी में तो भूचाल आया हुआ है मेरे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा वैसे आपको, और ये इतनी खुलती है, ये देखो ये इतनी खुलती है क्योंकि ये बेड यहाँ पे आ जाता है ना, दिक्कत होती है, छोटा घर है ना तो जगह नहीं हो पाती। अलमारी है बड़ी, ये मेरी शादी की अलमारी है, अलमारी है बड़ी और ये स्पेस नहीं हो पाता, तो देखो ये इतनी खुलती है, बस मुझे सामान निकालने में बहुत दिक्कत होती है, देखो इतनी खुलती है, अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा। और ये देखो क्या हाल हो रहा है कपड़ों का, ये देखो सही करेंगे इन्हें, ये देखो कबाड़ा मचा हुआ है, भूकंप आ रखा है मेरी अलमारी में, मेरे कपड़े सारे फैले हुए हैं, हम इनको टाइम लगेगा तो करेंगे। यहाँ देखो कितनी रोशनी आ रही है, वो देखो बैक पे क्योंकि वहाँ रोशनी पहुँच नहीं रही है, इसको देखो क्या ड्रामे हो रहे हैं इसके, गिरता पड़ता रहता है, कभी गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, इसका यही चलता रहता है। तो गाइस सोच रहे हैं आज अलमारी सही कर ले, क्या करें, कर ले आप बताओ, कर ले सही, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी बाली उम्र में है जादू, टिक टिक। बाबू एक सॉन्ग सुना दो मेरे बच्चों, सॉन्ग सुना दो। तो गाइस चलिए करते हैं फिर काम। देखो बाबू कपड़े उड़ी तो गाइस देखिए हमारा घूंघट, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा, सो गाइस देखिए जो हम नए नए आए थे तो हम कैसे घूंघट करते, जब हम क्या नए नए जब आते हैं तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, हमने सोचा चलो कपड़े भी करेंगे, जब नई नई दुल्हन आती है तो उसका घूंघट ऐसे होता है, जब नई नई होती है, फिर थोड़ी सी पुरानी जब नई नई होती है तो इतना होता है, जब नई नई दुल्हन आती है
तो उसका घूंघट ऐसे होता है और फिर थोड़े दिन बाद ऐसे होता है, ऐसे फिर 2 साल बाद ऐसे होता है और फिर 10 साल बाद ऐसे होता है और 15 साल बाद ऐसे होता है। टाटा। तो आपको कैसा लगा मेरे घूंघट, टाइप्स ऑफ घूंघट, बहू के टाइप्स ऑफ घूंघट कैसे लगे मुझे बताना कि कैसे कैसे घूंघट होता है। ये मजाक है तो दिल पे मत लेके जाना, ये थोड़ा सा बस फन करने के लिए। हम तो पता कितना रखते हैं, हम इतना रखते हैं, हम शुरू से इतना रखते हैं, ऐसे रखते हैं हम शुरू से, बस इतना नहीं रखते हम, बस इतना रखते हैं जी, ऐसे रखते हैं जी। और कुछ औरतें कैसे देखती है घूंघट होता है, मैंने देखी गाँव के, हमारे यहाँ भी ऐसे होता था, गाँव की औरतें होती थी ऐसे घूंघट करती थी और ऐसे देखती थी, कहाँ हो भाई कहाँ हो, नज़र नहीं आ रही हो, है ना। गाइस जिसने कभी घूंघट किया हो तो मुझे बताना कैसा लगता है घूंघट में, ऐसे घुटन से होती हुई ना बिल्कुल, और वो देखो पीछे लगा पड़ा। तो चलिए अब हम करते हैं अपना काम, देखिए हमारे कपड़े कितने सारे हैं, ठीक करने हैं, मौज मस्ती हो गई ख़त्म, अब थोड़ा काम कर लिया जाए भाई सीरियस होके। चलिए अब हम अलमारी सही करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने अलमारी कैसे अच्छी सी लगाई है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट से पहले लाइक करना मत भूलना, अगर भूल जाते हो तो बादाम खाया करो, बादाम से लाइक करना नहीं भूलोगे। ओके जी, हमारा बाबू लगा पा। इस हमारी अलमारी भी उनको सेट हो चुकी है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट 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 कर दिया और इसको दिखाना पड़ा हमें मोबाइल, ये सेट हो चुकी है। देखिए रोशनी को दिखाते हैं, अंधेरा हो रहा है ना अच्छे से, अभी कैसे पाँव, उसके डैडी भी आने वाले होंगे तो बनाएंगे चाय, फिर बनाएंगे शाम का खाना, डेली रूटीन। ये लड़के ने सूसू करी है, सारे कपड़े गीले कर लिए, भगवान मेरी जान को कर दिए सारे कपड़े, और अभी इसको थोड़ी देर पहले कपड़े पहनाए थे और बताओ इसने सारे कपड़े सूसू में कर लिए अपने, पता नहीं क्या। मैं तो बड़ा दुखी हूँ भैया, मैं तो पूरा दिन पता है इसी में मेरा लग जाता है, बस इसी को देखते रहो क्या करो। ये देखो नाला, देखो सारे कपड़े उसने बिगाड़ लिए, अब सारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, और देखो 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 इसको। तो गाइस चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में और हम संभालते हैं डुगू को, तो बाय बाय।